जो बैंकों से रुपये लूट करके मौज करते थे, हमने कानून बनाए, आज 3 लाख करोड़ रुपया वापिस आया है। नमस्कार दोस्तों, भाइयों बहनों, स्वागत है आप सभी का अपने ही चैनल नेक्स्ट न्यूज़ टुडे में। तो दोस्तों, आज यहाँ एक बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जैसे कि आप सबों ने देख ही सकते हो, कर्ज माफ़ी योजना से संबंधित। दोस्तों, जितने भी हमारे किसान भाई हैं वो सभी कर्ज माफ़ी को लेकर इंतजार कर रहे हैं, तो उनके लिए ही एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो दोस्तों, कि जो भी राशि है वो 2 लाख रुपए तक की राशि माफ़ की जाएगी, और यदि आपकी 2 लाख रुपए से ज़्यादा की राशि है तो माफ़ नहीं किया जाएगा। तो चलिए हम आपको खबर यहाँ पे दिखाते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, जैसे कि 2 लाख तक के ऋण 15 अक्टूबर तक होंगे माफ़। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल ही सही न्यूज़ है। हम आपको सिर्फ यही बन ही दोस्तों, हम आपको इनके सिर्फ मुंह से कहे हुए वचन को भी सुनाएंगे, जो कि आप खुद से सुन सकते हो। तो आप वीडियो के साथ पूरी तरह से बने रहे, और क्या क्या खबर है, आपको क्या क्या करना होगा, उसके बारे में हम पूरी जानकारी देंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, यदि आप चैनल पर नए हो तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर ले, और बल का बेल आइकन घंटी को भी दबा दें। और दोस्तों, आपसे एक और छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप वीडियो को एक लाइक कर दें यदि आपके लिए फ़ायदेमंद लगे तो, और आप अपने किसान भाइयों के साथ शेयर भी करें, जिससे कि और किसान भाइयों को इनके बारे में पूरी जानकारी मिल सके। तो जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, ऋण माफ़ी योजना में 50,000 तक की ऋण माफ़ी की सीमा को 2 लाख रुपए तक बढ़ा दिया गया है। जैसे कि पहले 50,000 तक ही माफ़ी करने का प्लान था, तो दोस्तों अब इसे बढ़ाकर 2 लाख रुपए, जिन जिन किसान भाइयों का 2 लाख रुपए तक है उन सारे को माफ़ किए जाएंगे, और यदि आपका 2 लाख रुपए से ज़्यादा राशि है तो माफ़ नहीं किया जाएगा। और ये ऋण दोस्तों 15 अक्टूबर तक माफ़ कर दिया जाएगा, ऐसा मुख्यमंत्री ने खुद कहा है। तो दोस्तों, चलिए हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दे दें, और आपसे रिक्वेस्ट रहेगा दोस्तों कि आप वीडियो को एक लाइक कर दें, और अपने किसान भाइयों के साथ शेयर भी कर दें, जिससे कि इनके बारे में पूरी जानकारी मिल सके। तो आपको बैंक में सिर्फ ऋण फॉर्म भरना है, और कैसे भरना है उसके बारे में पूरी आपको जानकारी देंगे। तो आप पहले इनके बोले हुए वचन को खुद से सुन लें, जिससे कि आपको विश्वास हो सके। इस वीडियो में आप प्रधानमंत्री जी की ओर से घोषणा के बारे में पूरी जानकारी लेंगे, जो कि सभी राज्यों के लिए लागू है, और सभी के लिए कर्ज माफी के बारे में ही बात कही है। तो आप पूरी जानकारी ले, जिम्मेवार राजनीतिक दल हो तो उसने बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। तीसरी बात है, अगर कर्ज माफी से किसान का जीवन मुक्त होता है, मदद होती है, तो बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन क्या हुआ है, इस देश में पहले भी सरकारों ने, देवीलाल जी के जमाने में भी कर्ज माफी की थी। तो उपाय ये है कि किसान को मजबूत बनाना, एम्पावर करना, बीज से लेकर बाजार तक सारी व्यवस्थाओं को सुविधा देना। 15 लाख जनता के खाते में आए या नहीं, दूसरा देश को बताते कि 80 लाख करोड़ काला धन जो 100 दिन में वापस आना था, 55 महीने के बाद 1 रुपया भी उसमें से वापस आया या नहीं, तीसरा देश को बताते कि 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष यानी 55 महीने में 9 करोड़ रोजगार जो आने थे, उनमें से 9 लाख रोजगार भी देश में पैदा हुए या नहीं, चौथा किसान को जुमला तो था लागत पर 50% मुनाफा देने का, पर क्या किसान को लागत मिली, मुनाफा तो दूर। पांचवा वादा तो था व्यापार को सरल बनाने का, परंतु जीएसटी का गब्बर सिंह टैक्स लगाकर धंधा मंदा और व्यापार चौपट क्यों कर डाला।
तो दोस्तों आशा करते हो कि आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी मिल चुकी होगी। और दोस्तों धीरे धीरे सभी राज्यों में यानी कि 15 अक्टूबर तक सभी राज्यों में ये नियम लागू हो जाएगा। और ऐसे में आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि आपकी ऋण कितनी है और आपको कितनी माफ़ी चाहिए, तो आप कमेंट अवश्य करें। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।